लीच कैटिलियर प्रिंसिपल। अब लीच कैटिलियर प्रिंसिपल जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है ओ लेवल में, तो बेहतर यही है कि मैं इसमें ज्यादा सर ना कपाऊं। तो मैं सीधी तरह आपसे गुजारिश ही करूंगा कि आप इसकी डेफिनेशन लिखें लीच कैटिलियर प्रिंसिपल की। लेकिन डेफिनेशन जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन की मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पक्के मार्क्स होते हैं ना तो वो मिल जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है इफ अ सिस्टम, इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम is disturbed by changing the conditions such as temperature, concentration, pressure or प्रेशर का क्या होगा इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, क्योंकि सॉलिड या लिक्विड्स की प्रेशर तो नहीं होता ना। तो इससे हो क्या होगा, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम moves to counteract that change. Basically, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको आप बाय हार्ट आनी चाहिए। बेसिकली हम आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि देखें अगर मैं जो है वो किसी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो एक एस्टैब्लिश हुआ है उसकी है तो टेम्परेचर चेंज करूँ या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँ या प्रेशर चेंज करूँ तो वो जो होगा ना वो इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा मेंटेन होने के लिए उस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो देखते हैं वो होगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं N2 plus 3H2 gives us 2NH3, ठीक है। अब दो इसमें हम देखेंगे कि by increasing the concentration क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे अगर हम, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड and more ammonia will be formed. ठीक है, बेसिकली जब हम नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ फेवर होगा और अमोनिया की जो
अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह इसकी हम बात करते हैं कि बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम अमोनिया पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम will shift towards right hand side and more ammonia will be formed. ठीक है, सही होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन की ना मैं बताता हूं आपको कि देखें आपके पास एक इक्वेशन है, ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अगर मैं कहूं कि मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन इधर जाएगा, सी की बढ़ाऊंगा तो इधर जाएगा और डी की बढ़ाऊंगा तो इधर ही इधर जाएगा। तो ये इस तरह का एक फ्लो चार्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब जो है वो मैं आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले प्रेशर को देखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को देखते हैं, देखें, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक, अब उधर वेबर प्रोसेस की इक्वेशन देखी थी N2, अब इक्वेशन चेंज कर लेते हैं, 2SO2 प्लस O2 विल गिव अस 2SO3, ठीक है। अब देखिए आपने ना एक चीज पढ़ी थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, लेस वॉल्यूम। एंड सिमिलरली ओवर हियर मोर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या मैं करना चाहता हूँ। अब देखिएगा कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर प्रेशर पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम shifts towards right hand side ठीक है, as lesser moles are present present on the right hand side, more SO3 will be formed formed and rate of reaction will increase, ठीक है। ये मैंने कैसे कहा, देखें आपने वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया है तो
वॉल्यूम कम है, किस साइड पे कम है, राइट हैंड साइड पे ना, बिकॉज देर आर टू मोल्स, तो रिएक्शन जो है वो फिर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर जब भी आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उधर जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं एक और इक्वेशन आपको अब दिखाता हूँ, और इस पे अब हम बात करेंगे कि डिक्रीज करेंगे प्रेशर तो क्या होगा। तो इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब इधर क्या है, टू मोल्स है तो इधर वॉल्यूम मोर है, ठीक है, और इधर वन मोल है तो इधर लेस वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगी, शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसे होगा क्या, जब वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो यील्ड या प्रोडक्ट फॉर्म ज्यादा है, यील्ड इंक्रीजेस, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस ये नहीं होता कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, उनका पर्पस ये होता है कि हम जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो, ताकि हमारा जो है वो टाइम बचे, और जब उनका टाइम बचेगा तो उनकी जो है वो रिसोर्सेज बचेंगे, कम रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, कम बिजली खर्च होगी, कम इक्विपमेंट लगेगा, कम लेबर लगेगा, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी। तो जब भी इस किस्म के रिएक्शंस प्लांट्स, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे अमोनिया बन रहा है या SO3 बन रहा है, ठीक है, या इस किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनका पर्पज ये नहीं होता कि यील्ड मैक्सिमम हो, उनका पर्पज ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो, ताकि कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कम टाइम में मिलेंगी तो वो मैंने बता दिया ना क्या होगा, कि यार कम टाइम लगेगा तो कम रिसोर्सेज लगेंगे, कम पैसा खर्च होगा, तो कम और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो बचेगा, उनको प्रॉफिट ज्यादा, तो उनका ये पर्पज होता है। तो इस किस्म के रिएक्शन तो इधर उधर इसी काम आने, इसलिए आपने ये देखना है कि प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाता है यूजली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने जो आपको दी है उसमें ये था कि यार मोल जो है वो दोनों साइड्स पे डिफरेंट थे। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2HiH2+I2, ठीक है, और यहाँ पर भी इसके टू मोल्स हैं और यहाँ पर भी इसके टू मोल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे साथ लिख देखिएगा कि व्हेन देर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देन देयर इज नो इफेक्ट इन
चेंजिंग द प्रेशर ऑन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. जब मोल्स ही दोनों साइड पे इक्वल है तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा प्रेशर को चेंज करने के लिए, तो ये इस किस्म के जो है वो भी हमारे पास आ सकते हैं क्वेश्चन के. भाई तो इस तरह का ही गाया हुआ भी है पास्ट पेपर में. जब हम पास्ट पेपर करेंगे तो आप शायद हमारी नजर से गुजर जाए तो आप उसको देखोगे कि वो आया हुआ भी है. ठीक है, अब जो है वो अगली चीज पे आते हैं और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब जो है वो अच्छा, मैंने ना जब हम केसी पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि केसी की जो वैल्यू है ना वो और किसी उससे चेंज नहीं होती सिवाय टेम्परेचर के. टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू जरूर चेंज होगी. ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है. ठीक है, देखिएगा मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ N2+3H2 2NH3. ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये हेबर प्रोसेस है, इसमें अमोनिया बन रहा है. जब भी कोई इस किस्म की चीज बनेगी ना तो इसके साथ एक चीज तो जरूर बनेगी और वो है हीट. ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा ना, अच्छा ये जो है ना ये हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की. ठीक है, मैं पहले लिख दूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है. ठीक है, और जब भी हीट रिलीज होगी ना, जब भी रिएक्शन हो रहा होगा एक्सोथर्मिक तो हीट तो रिलीज होगी. और ये जो रिएक्शन है ये होता है 500 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, अब जो है देखें मैं अगर कहूं कि मैं जो हूं ना वो इसका टेम्परेचर जो है ना वो 500 से कम करके 300 डिग्री सेल्सियस पे ले आता हूं. ठीक है, तो क्या होगा, देखें एक तो होगा ये कि वो वापस 500 पे आने की कोशिश करेगा. ठीक है, क्योंकि उसने अपना टेम्परेचर जो है वो ये रिएक्शन करने के लिए मेंटेन रखना है. ठीक है, अब जब मैंने टेम्परेचर चेंज किया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, तो अब देखिएगा कि मैं लिखता हूं कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shifts towards right hand side and more ammonia will be formed. देखिए जब इस किस्म का रिएक्शन होता है ना तो हम ये कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो एक्सो है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन और एक्सो होगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और एंडो होगा तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, जब मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया ठीक है तो पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हुई, इट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड एंड मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब जबकि हम इधर बात कर रहे हैं एक्सो की तो मैं एंडो वाला एरो हटा देता हूँ, तो ज्यादा अमोनिया की जो वो है वो इंक्रीज हो गई और अपना मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मैं जो हूँ वो इसका टेम्परेचर 500 से बढ़ा के 700-700 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ रहा, तो फिर क्या होगा, फिर देखिएगा. तो मैं तो लिखता हूँ कि बाय
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड मोर रिएक्टेंट्स आर फॉर्म. ठीक है, तो ये हुआ. ठीक है, देखें अब आपको जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो ये है कि सर इसका केसी की वैल्यू से क्या ताल्लुक है. देखिए, जब मैंने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाना शुरू हो गया. ठीक है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे ये एन टू और एच टू लिखे हुए, रिएक्टेंट ज्यादा बनना शुरू हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया. केसी की एक्सप्रेशन कैसे हम लिखते थे कि के सी इज प्रोडक्ट या राइट हैंड साइड ओवर रिएक्टेंट और दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. जब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 10 हो गए और ये 2 हो गए तो आंसर क्या आया? 5. और अगर ये 2 और ये 10 हो गए तो आंसर क्या आया? 0.5. नहीं, 0.5 नहीं, 0.5. तो आंसर क्या है? 0.2. तो क्या हुआ है केसी की वैल्यू को? डिक्रीज हुई है ना टेम्परेचर चेंज करने से. तो ये जो है वो हमारा पॉइंट है. ठीक है, तो देखिएगा एक और दफा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. टेम्परेचर जो है वो मैंने डिक्रीज किया है, कम किया है, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ चला गया है और अमोनिया बढ़ गया है और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, और जब ये हुआ है ज्यादा प्रोडक्ट बना है. ठीक है, जिसकी वजह से केसी की वैल्यू बढ़ी है. जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई है और रिएक्टेंट ज्यादा बने, जिसकी वजह से केसी की वैल्यू कम हो गई. तो इस तरह हम कहते हैं कि केस टेम्परेचर जो है वो केसी को इस तरह इफेक्ट करता है. मैं अब एक लाइन में लिखता हूँ तो वो भी आप मेरे साथ लिखिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट इट करेक्टली. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ठीक है, वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस. एंडोथर्मिक के लिए आप खुद ही जो है वो इसका उलट कर लें.